अच्छा, मतलब तब जाके ये क्वेश्चंस सॉल्व होगा, है ना। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? देखिए, साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज़ अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? उसमें क्या होता है, दो डिस्क होता है। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल थोड़ा सा विड्थ वाला डिस्क जो होते हैं, इसमें क्या होता है, बीच से वो कटिंग होते हैं। ठीक है, बीच से कट होते हैं, यानी कि एक को D1 बोल दिया, एक को D2 बोल दिया। और इससे इस डिस, मान लेते हैं ये डिस का ये जो चौड़ाई है वो है, तो यहाँ से हम क्या किए, इसको कट करके निकाल दिए। यानी कि यहाँ से जब ये एक्सेलरेट करेगा ना, निकलेगा, तो एक निकलने के लिए एक विंडो छोड़ दिए, ताकि ये पूरी तरह से घूमने के बाद वो उसी से निकल जाए। ठीक है, ताकि इससे हम एक डायरेक्शन को दे सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे हम लोग उसको प्रोजेक्ट करना है, कहाँ उसको डालना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक विंडो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, अब इसमें क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जैसे ये डीज है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाल दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि जस्ट लाइक दिस, ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे। ये हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एसी कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट होगा। और अल्टरनेटिंग करंट होगा तो इसमें क्या होगा, अगर इसका सिंपल फिगर देखें तो इसका एक बनाते हैं, अभी एक सिंपल फिगर है ना, ये D1 D2 डीज है, एन नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक पोल्स पीसेस है, W इज विंडो एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए अगर इसका सिंपल पीसेस देखें तो ये है, जस्ट लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, और इसके वजह से क्या होगा, जैसे ही हम लोग इस डीज के बीच में अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को छोड़े, सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसको हम यहाँ पर डाल दिए, है ना, कोई प्रोटोन है मान लीजिए, इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो सबसे पहले देखना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल, ये जो एसी यहाँ पे डाला हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसका जो डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो कंटिन्यू चेंज होता है, और इन इंडिया इसका कितना होता है, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 50 टाइम्स 1 सेकेंड में 50 टाइम्स ये आना जाना करेगा। यानी कि जब मान लेते हैं, जब इधर पॉजिटिव बन जाए और इधर जब नेगेटिव टर्मिनल्स बन जाए, जब ये पॉजिटिव बन जाए या नेगेटिव, तो ये चार्ज पार्टिकल किधर खींचेगा, इधर नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये जैसे ही इधर जाने लगेगा, ये पूरा पोल तुरंत चेंज हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज क्या आ गया, मोशन में आ गया। चार्ज जब मोशन में होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप वर्क करने लगेगा। चार्ज जब रुका हुआ था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे जब चार्ज क्या होगा, मोशन में रहेगा, और चार्ज जैसे ही मोशन में आएगा यहाँ पे लॉरेंज फोर्स अप्लाई होगा। लॉरेंज फोर्स अप्लाई होगा, लॉरेंज फोर्स किधर होगा, ये मैग्नेट इसका डायरेक्शन इधर हो गया और फील्ड का डायरेक्शन किधर, ऊपर, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, इधर फोर्स किधर लगेगा, इधर। और फोर्स इधर लगने की वजह से क्या होगा, ये सर्कुलर घूमने की कोशिश करेगा, और जैसे ये घूमेगा इसका डायरेक्शन, फिर पोल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव होने की वजह से ये चार्ज जब यहाँ पहुंच गया था तो ये किसके पास चल जाएगा, इधर आ जाएगा, इस डिस्क की तरफ आएगा ना, ये डिस्क की तरफ आएगा, तो फिर ये क्या करेगा, फिर से यहाँ रोटेट करेगा, और ऐसे करते हुए ये कंटिन्यू क्या होगा, गोल गोल घूमते हुए वो यहाँ से इजेक्ट कर जाएगा। क्लियर है, और इसका रेडियस कंटिन्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तो थोड़ा सा घिसका, जैसे इसका पोल चेंज हुआ थोड़ा सा इधर आ जाएगा, फिर जैसे ये ज़्यादा दूर आएगा तो यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव बन जाएगा, अगला पोल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव से ये फिर रिपेल करेगा, यानी कि बहुत जोर से रिपेल करेगा इसको, तो बहुत दूर तक है, फिर इधर आएगा तो फिर ये और जोर से, यानी कि कंटिन्यू इसका एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यानी कंटिन्यू इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन इसका टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, और ये जिसके वजह से यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो पार्टिकल्स क्या होगा, इजेक्ट होके बाहर आ जाएगा। क्लियर, याद रख समझ माइंड। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको थ्योरी पार्ट, यानी कि ऐसे करते हुए ये बाहर निकलता है। अगर इसको देखें पीपीटी में देखते हैं ना कि कैसे है, जस्ट लाइक दिस, मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब ये कैसे हुआ, ऐसे घूमते हुए ये यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। और ये क्यों जा रहा है, ये जो समझ में आया ना कि दो डिज है, ये दो डिज होते हैं। ठीक है, अगर फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता देते हैं कि वो कैसे एक्सेलरेट, मान लेते हैं ये दो डिज है, ये अगर ये जब पॉजिटिव हो जाएगा, ये जब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आएगा,
आएगा ना, और इसका मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा किधर, इधर, और मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ऐसा करके जाएगा तो ये फोर्स किधर लगेगा, इसके तरफ, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में होने की वजह से ये घूमने की कोशिश करेगा, फिर तुरंत इसका पोल चेंज हो जाएगा, पोल चेंज होने से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, यानी कि ये इसके तरफ जाने लगेगा, इसके तरफ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये घूमते हुए ऐसे पहुँचेगा, घूमते हुए पहुँचेगा, फिर इसका पोल जैसे चेंज होगा वो जोर से रिपेल करेगा, जोर से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये इसके तरफ तुरंत आ जाएगा, और ऐसे ऐसे करते हुए ये घूमते हुए बाहर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब इसका थ्योरी पार्ट को करते हैं, ठीक है, इसका थ्योरी पार्ट से वो सारी चीज़ बन जाएगा। वर्किंग क्या होता है, इमेजिन डी वन इज ए पॉजिटिव, डी टू इज नेगेटिव, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल केफ्ट एट द सेंटर, सेंटर पर रख दिए, इन द गैप बिटवीन द डीज, दोनों डीज के बीच का गैप में है ना, गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स डी टू, सबसे पहले किधर गया, डी टू की तरफ, ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है ना, एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द चार्ज गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ, और जिसकी वजह से वो क्या होगा, सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हुए निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका थ्योरी पार्ट, यानी कि अगर हम देखें जो साइक्लोट्रॉन एक्सिट किया, ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेडियस, वो जो सर्कुलर पाथ लेगा वो कितना रेडियस का लेगा, ठीक है, तो अगर इसका रेडियस को निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं रेडियस, ठीक है, और रेडियस फाइंड आउट करने का हम लोग जानते हैं कि इसका जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होते हैं, जिसके वजह से सेंट्रिफ्यूगल फोर्स किस फोर्स के बराबर हो रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है ना, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, ठीक है, और किसी भी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर हुआ, क्यू वी बी के बराबर, क्यू वी बी के बराबर, ठीक है, और यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है, तो क्यू वी बी, यहाँ से वी यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एम वी बाय आर इक्वल टू क्यू वी, ठीक है, रेडियस हमको फाइंड आउट करना है तो रेडियस को इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आएँ, तो क्या हो जाएगा, ये एम वी बाई क्यू वी इक्वल टू आर, दिस इज द रेडियस है ना, यानी कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, है ना, यहाँ से क्या पता चलता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि एम इज द कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, देन व्हाट इज डिपेंड्स, रेडियस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ओनली, इट्स मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना, ये एक थियोरम निकल के आता है, ये हो जाएगा रेडियस, है ना, रेडियस निकल के आ गया। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर यहीं से देखें तो दूसरा टर्म है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम यहीं पर यूज कर सकते हैं, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एम वी बाय आर इक्वल टू क्यू वी, है ना, देयरफॉर वी इक्वल टू व्हाट, क्यू वी आर बाय एम, और इससे पिछले वाला में भी कर चुके थे, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी, अगर यहाँ पे वी देखें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्यू वी इज कॉन्स्टेंट, वी इज कॉन्स्टेंट, एम इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर वी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आर, यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट रहता है ना, अगर रेडियस बढ़ रहा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, ये हो गया रेडियस, ये हो गया वेलोसिटी, इसका यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, इस रेडियस को चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी एंड वी इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम, चलिए इसको मिटा दें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, है ना, टाइम पीरियड, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, अगर हमको टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम, किसी भी चीज का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, किसी भी सर्कुलर पाथ का क्या होता है, टू पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, वही तो उसका पाथ का डिस्टेंस हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय उसका वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जा रहा था, तो यहाँ पे आर या वी किसी को पुट कर दीजिए, चलिए आर पुट कर देते हैं, यानी कि 2 पाई बाई वी इंटू आर का वैल्यू कितना है, एम वी बाई क्यू वी, यस एम वी बाई क्यू वी, वी वी मर गया तो क्या बचा, 2 पाई एम बाई क्यू वी, दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द साइक्लोट्रॉन, क्लियर है, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल जो हेलिकल पाथ हो या फिर वो सर्कुलर पाथ हो,
किसी में भी वो टाइम पीरियड जो होगा कितना होगा 2πm/qb, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट है, पूरा का पूरा क्या है, हमेशा कॉन्स्टेंट है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। कैसे, मतलब डिपेंड तो कर रहा है लेकिन वो किसी वेरिएबल थिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा। टू इज कॉन्स्टेंट, पाई इज कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, देयरफॉर होल टाइम पीरियड विल बी कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर वो रेडियस कम रहे, वेलोसिटी ज्यादा रहे, कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो हमेशा क्या रहेगा, टाइम पीरियड उसका कॉन्स्टेंट ही आएगा। दिस इज द टाइम पीरियड आ गया। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी की बात करें, और फ्रीक्वेंसी तो जानते ही है, फ्रीक्वेंसी इज क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, और वन अपॉन टाइम पीरियड मीन्स वन अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है, 2πm/qb, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, qb/2πm, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन, qb/2πm, इज इट क्लियर। अब एक लास्ट टर्म बच जाता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो बाहर आएगा ना, वो पार्टिकल जो बाहर आएगा उसे कितना एनर्जी होगा और उसके पास कैसा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। जो भी चार्ज पार्टिकल मोशन में, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में, कोई भी मैटर मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी का वैल्यू हम लोग का पता है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू वी का वैल्यू कितना है, क्यू बी आर बाय एम का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 1 बाई टू एम इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर, यहाँ से m ये मर जाएगा तो फिर क्या बचेगा, देयरफॉर E इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, दिस इज द एनर्जी ऑफ द साइक्लोट्रॉन। यानी कि जो साइक्लोट्रॉन का एनर्जी नहीं बोलेंगे, जो चार्ज पार्टिकल जो बाहर निकल के आ रहा है ना, उसका एनर्जी ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारे चीज पता चला, रेडियस हम लोग को पता चला, वेलोसिटी पता चला, टाइम पीरियड पता चला, फ्रीक्वेंसी पता चला, एनर्जी पता चला, ओमेगा हम लोग निकाल चुके थे, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल चुके थे, ठीक है, और हेलिकल पाथ की वजह से पिच भी निकाल चुके थे। तो ये है इसका सारा थ्योरी पार्ट, ठीक है। ये सारे चीज इस बार तो सिलेबस में साइक्लोट्रॉन है नहीं, लेकिन हो सकता है कि साइक्लोट्रॉन जैसे होता है ना, एनर्जी वगैरह किसी में पूछ सकता है, तो उसके लिए ये चीज़ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट?